जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कलेक्टर रणबीर शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कलेक्टर एक युवक को मोबाइल पटक कर तोड़ते और उसकी पिटाई करते दिख रहे हैं। साथ ही वो दूसरे पुलिस कर्मियों को बोलते हुए दिख रहे हैं कि इसकी पिटाई करो। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब ट्विटर पर कलेक्टर की जमकर आलोचना हो रही है, जिसके बाद कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें मुझे एक आदमी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है जो लॉकडाउन के दौरान बाहर था। मैं अपने इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीज़ी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। इस पूरी घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, सोशल मीडिया के माध्यम से सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा द्वारा एक नवयुवक से दुर्व्यवहार का मामला मेरे संज्ञान में आया है। यह बेहद दुखद और निंदनीय है। छत्तीसगढ़ में इस तरह का कोई कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर रणबीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं है। मैं इस घटना से क्षुब्ध हूँ। मैं नवयुवक व उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।